हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी ब्लॉगर जैस्मीन। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं दाल मखनी बनाने वाली हूँ और साथ में आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी इसकी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सिंपल है लेकिन बहुत टेस्टी है। फ्रेंड्स, उसके लिए लिया था मैंने साबुत उड़द 200 ग्राम और 50 ग्राम राजमा, टोटल 250 ग्राम है क्योंकि राजमा इसमें कम पड़ता है, दाल बना रहे हैं हम तो एक एक राजमा होना चाहिए। और दाल को मैंने मतलब भिगो दिया था, उड़द और राजमा 7 से 8 घंटे तक भिगोना है इसको। मैंने 7 से 8 घंटे तक इसको भिगोया था और अब मैं इसको बॉईल करूँगी। और इसमें मैं 2-2.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ और नमक। हींग डाला है फ्रेंड्स डाइजेशन के लिए, उड़द है तो अच्छा होता है इसलिए मैंने हींग इसमें ऐड किया है। और इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 2 प्याज हैं, 2 टमाटर है और 8-10 से 12 कली लहसुन की है और 3 इंच अदरक है, 4 हरी मिर्च। और मैंने प्याज को बारीक चॉप्ड कर लिया है, लहसुन को कट कर लिया है बारीक और अदरक भी मैंने कट किया है, हरी मिर्च इस तरह कट करी है मैंने। और टमाटर भी बारीक कट कर लिया है। फ्रेंड्स, मैं इसमें टमाटर की प्यूरी नहीं डाल रही हूँ इसलिए मैंने इसे बारीक कट कर लिया है। 20 से 25 मिनट हो गए थे, दाल पक गई है। अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ, ऐसी दाल इसको पकानी है, बिल्कुल पक गई है दाल। अब आप चाहें तो बटर में भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ। तो मैंने 1 छोटे चम्मच से 1 चम्मच ज़ीरा ऐड किया है और कटे हुए लहसुन और अदरक, ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे फिर इसमें प्याज ऐड करूँगी। प्याज को भी अच्छे से मिक्स करके लाइट ब्राउन ही करना है। और मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाल दी है थोड़ी सी। प्याज इतना ही ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन हो जाए फिर मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। मसाले में मैंने लिया है मिक्स मसाला है जो 1/2 चम्मच है और हल्दी पाउडर है, मिक्स मसाला 1/6 चम्मच से 1/2 चम्मच है और हल्दी पाउडर 1/6 चम्मच से 1 चम्मच है। ये मेरे घर का मसाला है फ्रेंड्स, तो इसमें सब कुछ मिक्स है, गरम मसाला सब कुछ, धनिया वनिया सब मिक्स है इसलिए मैं अलग से नहीं डालती हूँ। और फिर नमक इसमें ऐड करना है, नमक दाल में भी मैंने ऐड किया था
इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। इसे अच्छे से पकाना है, गलाना है। इसको मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी टमाटर को, और ऐसे बीच बीच में चेक भी करती रहूंगी। फ्रेंड्स, मैं इसमें प्योरी नहीं ऐड कर रही हूँ, इसलिए टमाटर को अच्छे से गलाना है। टमाटर बिल्कुल गल गया है। अब मैं इसमें दाल ऐड करूंगी। दाल सूखी थी तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है अच्छे से मिक्स करके। उबली हुई दाल है तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, उबला हुआ है। दाल पक गई है, बिल्कुल बढ़िया बन गई है। अब और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। फिर जो कटे हुए अदरक थे और हरी मिर्च थी वो मैंने थोड़ा बचा लिया था, उसको मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। और 1 चम्मच ऐड किया है मैंने बटर। बटर चाहे तो आप और ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, दाल मखनी आपको कैसी लगी। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा।